हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सिल्पीज किचन में। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मेजरिंग के हिसाब से है। अगर मेजरिंग जरा भी गड़बड़ हुई आपकी रेसिपी एकदम खराब हुई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्या है वो रेसिपी वो आपको वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है एक बोल। बोल में हम डालेंगे, आप देख सकते हैं ये मैंने देसी घी लिया है, वो भी एक चमचे घी जमा हुआ है। अगर आपका घी जमा हुआ नहीं है तो उसे फ्रिज में रखकर थोड़ा सा आप जमने की कंसिस्टेंसी में कर लीजिए। एक चमचे घी में हम डाल रहे हैं आधा कप शुगर। मेजरिंग का यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप कटोरी से कर रहे हैं तो पूरा मेजरिंग कटोरी से करिए। अब हमने इसमें डाल दी शुगर, और शुगर और चीनी को हम हैंड ग्लेंडर से इस तरह से मिक्स करेंगे। ये हमें तब तक मिक्स करना है जब तक ये एकदम व्हाइट और एकदम हल्के फॉर्म में ना आ जाए। देखिए ये एकदम फ्लफी जैसा हो गया है। इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन हाथ से लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो कोई बात नहीं। ये देखिए एकदम फ्लफी हो जाना चाहिए। अब हम लेना है एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में अब हम डालेंगे एक कप मैदा। इसको हम इसमें छान देंगे। साथ में डाल रहे हैं हम एक तिहाई बेसन। आप मेजरिंग का विशेष ध्यान रखिए। इसको भी हम इसमें छान देंगे। एक चुटकी के करीब नमक, आधा टीस्पून हम डाल रहे हैं मीठा सोडा। आप बेकिंग सोडा भी इसमें डाल सकते हैं, जो आपके पास हो वही इसमें यूज कीजिए। सब चीज छान के ही डालनी है। अब हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें पानी, दूध, किसी चीज़ का यूज नहीं करना है, बस हमें इसी से ये डो फॉर्म देनी है। ये आसानी से लग जाता है अगर आपकी मेजरिंग एकदम परफेक्ट हुई तो। देखिए मैं अब हाथों का यूज कर रही हूँ जिससे ये डो फॉर्म में आ जाए। ये देखिए एकदम अच्छे से ये बन रहा है। देखिए एकदम दो फॉर्म में आ गया है। अब 5 मिनट के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। ध्यान रखिए मैं इसको फ्रीजर नहीं कह रही हूँ, फ्रिज में रख रहे हैं, वो भी 5 मिनट के लिए। अब हमने ले लिए यहाँ एक कढ़ाई। ये भारी मोटे तले की कढ़ाई है। इसमें मैं डाल दूंगी आधा किलो के समथिंग नमक। ये नमक डालने से क्या होगा, जो हम डिश बना रहे हैं ना वो हमारी नीचे से लगेगी नहीं। अब इसको रख देते हैं गैस पर। 5 मिनट हो गए हैं, कढ़ाई हमने प्री हीट होने रख दी है। अब हमको लेने हैं इसके छोटे छोटे इस तरीके से पीसेस, गोल राउंड शेप में लेने हैं। इस तरीके आप साइज अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना बड़ा पेड़ा लिया है। इसको हल्के से प्रेस कर देंगे। अब हम इसको रख देंगे एक प्लेट में। यहाँ मैंने ये लिए नॉनस्टिक प्लेट। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल प्लेट ले सकती हैं जिसका तला भारी हो, उसके ऊपर ये रख सकती हैं। अब आप समझ गए होंगे मैं नानकताई बना रही हूँ, उसके लिए ये मैंने प्लेट ली है। इसको मैंने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं आपका साइज बराबर रहे तो मैंने उसके लिए लिए ये एक स्पून। इससे हम इस तरीके से ये लेंगे और इस तरीके से इसमें प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे सारे इक्वल साइज के बनेंगे। ये देखिए ये आराम से इसमें से निकाल लीजिए और इसको गोल कर लीजिए। ये देखिए इससे थोड़ा सा छोटा साइज बनेगा। ये देखिए ये आराम से बन गई। ऐसे ही हम सारे बना कर रख लेते हैं। ये देखिए
मैंने प्लेट में लगा कर रख ली है। देखिए मैंने जगह स्पेस छोड़ा है क्योंकि जब हमारी ये नानक थाई फूले तो ये एक दूसरे से चिपके नहीं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। देखिए नमक भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस प्लेट को इस नमक के ऊपर इसी तरह रख देंगे और इसको ढक देंगे परात से। आप इसके लिए लिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यह लिड का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ये 40 मिनट के लिए हम इसको खोलकर नहीं देखेंगे। अब मैं आपको एक तरीका और दिखाती हूँ। ये मैंने ले ली नॉर्मल प्लेट, इसके ऊपर मैंने लगा लिया ये बटर पेपर और इसके ऊपर रख ली मैंने ये अपनी नाक ताई के पेड़े। यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हलोजन ओवन का। इसमें बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए ये मैंने रख दी इसके अंदर, इसको हमने कर दिया बंद। ये हो गया बंद। अब मैं इसमें टाइम सेट करती हूँ। यह मैंने 180 सेंटीग्रेड पे इस पे लगाया है और टाइम लगा रही हूँ मैं इसमें 7 मिनट। इसको ऑन कर देते हैं। देखिए जब ये बनेगा तो इस तरह से इसमें लाइट जलने लगेगी। देखिए ये इसमें बहुत जल्दी बन गई और ऊपर से भी ये अच्छे से सिक गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं। बस ओवन में बेक करने से ये ऊपर से पिंक कलर की हो जाती है और इसमें क्रैक भी पड़ गए हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। 40 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको खोल लेते हैं। एकदम बढ़िया, देखिए कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है। जब तक ये ठंडी नहीं हो जाती तब तक हम इनको टच नहीं करेंगे। देखिए ये हमारी ठंडी हो गई है। ये हमारी बिना ओवन वाली है, आप इनको देख सकती हैं। जब बिना ओवन वाली हम जब गैस पर बनाते हैं इनको हीट लगती है नीचे से। आप देख सकते हैं ये नीचे से गुलाबी है, लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अब साथ में जब हमने बनाई ये ओवन वाली, देखिए इसमें लगती है हीट ऊपर से, इसलिए ये ऊपर से हमारी ब्राउन हो गई है लेकिन नीचे से ये हमारी ब्राउन नहीं हुई है। टेस्ट में बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। ये मैं आपको देखिए तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी मस्त एकदम बढ़िया बनी है, एकदम बढ़िया एकदम क्रंची। जल्दबाजी बिल्कुल ना करिए। देखिए मैंने जल्दबाजी कर दी थी तो ये देखिए मेरी ये टूट गई। ठंडे होने के बाद ही आप इनको यूज छुइए, ये आराम से सिक जाती है और उठ भी आराम से जाती है। ये देखिए बहुत ही खाने में टेस्टी बनती है। अब आप बताइए आपको मेरी कौन सी वाली ज्यादा अच्छी लगी, ओवन वाली या बिना ओवन वाली। ओवन वाली थोड़ा सा जल्दी बन जाती है और बिना ओवन वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय। ये काटा था तुमने पेपर? जो ट्रे उसमें निकली है। बढ़िया है यार।